जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद भागलपुर तमाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए निजी अस्पताल में भी संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके इसको लेकर सभी अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं होने का दावा भी किया। डीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राशि तय की गई है, उसी अनुरूप प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक मरीजों के इलाज का खर्च ले सकेंगे। बैठक में शामिल मायागंज अस्पताल के ICU इंचार्ज डॉक्टर महेश ने बताया कि इस विषम परिस्थिति में भी चिकित्सक और सभी निजी क्लिनिक भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। बैठक के दौरान डीएम राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित जिले के कई प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधक और चिकित्सक मौजूद थे। भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रतिनिधि को आज बुलाया था और बात की है, तो सभी लोगों ने श्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो डेडिकेट मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है, तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके, तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने सबसे बात करके आज इश्यू। सर, प्राइवेट डॉक्टरों के जो क्लिनिक है उसमें कोई चार्जेस की भी? चार्जेस जो लास्ट ईयर निकला था स्वास्थ्य विभाग से वो कॉपी उनके पास भी है और हम लोगों ने भी शेयर किया है, उसी रेट पर जो है कोविड पेशेंट्स का इलाज होगा। की बैठक हुई उसमें भागलपुर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अधिकांश हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और सबों ने डीएम साहब को आश्वासन दिया है कि इस हॉस्पिटल अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स को रखेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स उसके लिए नहीं है, जैसे मंगलम हॉस्पिटल में नॉन कोविड के लिए हमने रखा है। मैं मंगलम से अटैच हूँ और ग्लोकल मेरे पार्टनरशिप का हॉस्पिटल है, ग्लोकल को हम लोगों ने कोविड के हॉस्पिटल के लिए दे दिया है। डॉक्टर विनोद जायसवाल जी हैं, इनका हॉस्पिटल CNM है, CNM हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड मरीजों के भर्ती के लिए डीएम साहब को समर्पित किया है। सर, बेसिक चार्जेस क्या है? चार्जेस तो लिस्ट जो सरकार की जो नीति है, सरकार का जो चार्जेस है उसी सरकार के चार्ज से हम लोग सब लोग बंधे होंगे, उससे कोई भी पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। अभी उसकी सूचना बाहर दे दी जाएगी, DPM साहब के पास उसका लिस्ट है, जो सरकार का आदेश होगा। इस विकट काल में हम लोग सब लोग यहाँ के मरीज के लिए हैं और मरीज के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेश है, मैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में ICU के काम को देखता हूँ और NSCCI में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर विनोद जायसवाल जी हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर्जरी में बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और उनका CNM हॉस्पिटल है। CNM हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए सरकार को दिया है।